अच्छा तो सर बता के, बट ये बताएं कि आप पीएमएलएन में हैं कि नहीं है? मैं देखिए आज अगर आप पूछते हैं, मैं पीएमएलएन के अंदर आज पीएमएलएन में ही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं उदेदार नहीं हूँ और मैंने ये भी कह दिया कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। इसकी क्या वजह है सर? इसकी वजह यह है कि मैं जो आज मुल्क की सियासत है, मैं इसको बामकसद नहीं समझता। आज इकतदार की सियासत है, इकतदार किसी तरह मिल जाए, हर कीमत हर सूरत में मिल जाए, इस बात से मैं इत्तफाक नहीं कर सकता। नहीं, मेरी मैं मुझे गलत समझें, जो मर्जी समझें, ये मेरी राय है। इसका आपको हल्के में नुकसान भी होगा, वैक्यूम छोड़ें तो वो फिर वैक्यूम जी बिल्कुल नुकसान नुकसान होता है तो हो। मैं अपने हल्के के आवाम से रबते में हूँ, हर जगह जाता हूँ, अपना बात उनके सामने रखता हूँ, उनके बहुत से व्यू पॉइंट हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं इस खराबी के अंदर नहीं अब शामिल होना चाहता जो आज मुल्की सियासत में है। सर तो आप इंडिपेंडेंट लड़ने का भी नहीं सोच रहे इलेक्शन? नहीं, इंडिपेंडेंट में मेरा कोई सोच नहीं, मुझे काफ़ी दबाव है इंडिपेंडेंट लड़ने का, लेकिन मैं उसका भी कायल नहीं। वो जो दबाव है वो आपको हल्के की तरफ से आ रहा होगा ऑब्वियसली, या फैमिली की तरफ से? नहीं, हल्के की तरफ से। अच्छा, हल्के की तरफ से, फैमिली का दबाव कोई नहीं। आर यू कंसीडरिंग इट? और आपने नहीं, उसको भी नहीं, मैंने कहा मैं अपने हल्के को डिवाइड नहीं करना चाहता। हाँ, इंडिपेंडेंट लड़कर, इंडिपेंडेंट लड़ना कुर्सी की सियासत बराबर है ना। मैं जिस चीज़ के खिलाफ हूँ तो उसमें कैसे हिस्सेदार बन सकता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कुर्सी के लिए।